पिछले 2 सालों तो पढ़ाई के लिए वर्क परमिट या फिर इतने पक्या लोगों के वालों अपने रिश्तेदारों कैनेडा बुलाने लिए लगाई जाती विजिटर वीजे की फाइल से अक्सर लिख दिता जाता सी कि उन्होंने कैनेडा तो वापस नहीं जाना या फिर होर छोटा के कारण करके वीजे को रद्द कर दिता जाता सी। पर हुण यह सारा कुछ नहीं होगा, हुण वह वीजे रद्द नहीं होंगे तो इस दे नाल ही पहला 45 दिन का समा भी घटा के 28 दिन कर दिता गया। अप्लाई करने तो बाद 30 दिन के अंदर अंदर विजिटर वीजा दे दिता जाएगा। तुहानू दस दईए कि कैनेडा की संसद दे विच कई पंजाबी मैंबर पार्लीमेंट ने आवाज़ उठाई सी कि हज़ारां जे लोग ने जिन्हां नू साल तो वध समा हो गया ते उन्हां दीआं फाइलां अजे तक नहीं खुलियां ते विदेश मंत्री ने इसका जवाब देने दे लई इस कारण नू दस्या ते नाल ही वापस ना जाण वाले लोगों कोलों जवाब भी मंगिया सी। दस दिए कि विदेश मंत्री ने इसका जवाब देने दे लई इसका एक कारण कहा अते नाल ही वापस ना जाण दा उन्हां कोल की जवाब है भी सुन लैने। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत तो आने वाले विजिटर्स नू हुण 28 दिनों तो अते पाकिस्तान वालियां नू 825 दिन का समा लगेगा ते कैनेडा सरकार पाकिस्तान नू घट समा लागू करन तो सोच रही है। कैनेडा के विदेश मंत्री ने कहा है कि जिन्हां लोगों के वलों अपने रिश्तेदारों नू बुलाने के लिए लगाई फाइल के सारे कागज़ पत्र ठीक पाए जाते हैं तो इस महीने तो ही उन्हां नू विजिटर वीजा दे दिता जाएगा। तुहानू दस दईए कि एक पासे तो विजिटर वीजा की झड़ी लग रही है तो दूजे पासे कैनेडा सरकार के वलों विदेशी किसानों ते खेतीबाड़ी कामियां नू आकर्षित करना जारी रखा हुआ। कैनेडा च रिवायती काश्तकारी के कारण स्थानक लोग घट रुझित हो रहे हैं जिस करके खेतीबाड़ी और सहायक कीतियां दे विच किसानां ते कामियां दी वाधू घाट पै रही है। फार्मां दे विच पशुआं दी देखभाल ते फसलां दी बचाई तो कटाई तक के कामां दे वास्ते विदेशी कामियां यानी कि फॉरन वर्कर्स की लोड़ लगातार बनती रहती है। अजय दे विच खाद पदार्थों की सप्लाई बरकरार रखने के लिए कैनेडा सरकार ने इमीग्रेशन नीतियां दे राही विदेशों तो किसानों ते कामियां नू आकर्षित करना शुरू कर दिता गया। परिवार समेत पक्की इमीग्रेशन लैण दे मौके भी दिते जा रहे ने। इमीग्रेशन मंत्री जॉन फ्रेजर ने कहा कि इस साल के आखिर तो एग्री फूड पायलट प्रोग्राम दे विच कामियां दे परिवारां दे वास्ते ओपन वर्क परमिट दिते जाण दा प्रबंध किया जा रहा है। वर्क परमिट दे वास्ते लोड़ींदे काम दे तजर्बे दा सर्टिफिकेट कामियां दी यूनियन दे वल्लों दिता जा सकेगा। काम दा तजर्बा वर्कर नू पक्की इमीग्रेशन वास्ते सहाई होवेगा। इसे दौरान मंत्री शॉन फ्रेजर ने राजधानी ओटावा दे विच बीते दिन कैनेडा दे नवे पासपोर्ट बारे भी जानकारी दिंदिया दस्या सी कि सुरक्षा दे पक्ष तों देश दे पासपोर्ट दी कॉपी दे विच सुधार करन दी जरूरत सी जिस दे उपर 2013 तों ही काम चल रहा सी। नकलां तों बचा दे वास्ते पासपोर्ट दे विच तकनीकी तब्दीलियां भी कीतियां गईयां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।